कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। यह बात कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को यूपी के बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 5 साल पहले, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल पहले चौकीदार 56 इंच की छाती लेकर आया था और दावा किया था कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ूंगा और किसानों की आय दुगनी करूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, लेकिन इन 5 सालों में जनता ने सच्चाई देख ली है। राहुल गांधी आगे हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ चोरी पर अनिल अंबानी के खाते में डाले और साथ ही हिंदुस्तान की जनता से झूठे वादे किए हैं। चुनाव में 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, लेकिन उसमें भी गरीबों के साथ धोखा किया है। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स लगाकर अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। एक चौकीदार ने चोरी की है, आप बाकी चौकीदारों को बदनाम मत कीजिए। देश के बाकी चौकीदार ईमानदार हैं। देश के बाकी चौकीदारों ने अनिल अंबानी को